पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद सीएम बने भगवंत मान ने जब चंडीगढ़ के पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में अपना कार्यभार संभाला तो उनके दफ्तर में सिर्फ दो ही तस्वीर नजर आई, एक भगत सिंह की और दूसरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में सीएम पद की शपथ लेने वाले भगवंत मान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पंजाब के सरकारी दफ्तरों में अब से सीएम की तस्वीर नहीं लगेगी, जैसा कि पहले की सरकारों में परंपरा चली आ रही थी। पंजाब के 17वें सीएम बने भगवंत मान ने कहा कि राज्य के सरकारी दफ्तरों में देश को आजादी दिलाने वाले शहीद आजम भगत सिंह और आजाद भारत को संविधान देने वाले डॉक्टर बीआर अंबेडकर की ही तस्वीर लगाई जाएगी। पंजाब से पहले यही परंपरा बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शुरू कर चुके हैं। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में भी मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगती है, सिर्फ भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर ही लगाए जाने के निर्देश हैं। आमतौर पर केंद्र और राज्यों के सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी, बीआर अंबेडकर के साथ मौजूदा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरें दिखाई देती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये कैसे तय होता है कि सरकारी दफ्तरों में किसकी तस्वीर लगेगी और किसकी नहीं। दरअसल इसके लिए संविधान में कोई दिशा निर्देश नहीं है और राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस बारे में आदेश जारी करती हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में 1949 में जारी किए गए ऑर्डर के अनुसार सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी के साथ कुछ खास लोगों की ही तस्वीरें लगाने को कहा गया था। तमिलनाडु में 1980 में जारी आदेश में वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ महात्मा गांधी, देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीआर अंबेडकर और संत थिरुवल्लुवर समेत कुछ और गणमान्य लोगों की तस्वीरें लगाने के निर्देश दिए गए थे। गोवा में साल 2021 में राज्य सरकार की ओर से जारी लिस्ट में 5 लोगों की तस्वीर सरकारी दफ्तरों में लगाने की इजाजत दी गई थी। सरकारी आदेश में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत की तस्वीर लगाने को कहा गया था। साल 2019 में राजस्थान की गहलोत सरकार ने आदेश जारी कर ये कहा था कि राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की तस्वीर लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी के साथ दूसरे गणमान्य लोगों की तस्वीरें लगाने के निर्देश दिए गए। अप्रैल 2021 में तमिलनाडु के सरकारी दफ्तरों में लगी तस्वीरों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सवाल उठाया गया था। याचिका में कहा गया था कि सरकारी दफ्तरों में सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगाई गई हैं, जबकि वर्तमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें नहीं लगाई गई हैं। इस पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में ये कहा था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत सभी तस्वीरों को सरकारी दफ्तरों में लगाना अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार ने कोर्ट में बताया कि साल 2006 के गवर्नमेंट ऑर्डर में ये साफ कहा गया है कि ये संबंधित विभाग पर निर्भर है कि वो तय की गई तस्वीरों में जो चाहे लगा सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार के दफ्तरों में महात्मा गांधी के साथ वर्तमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें दीवार पर लगाए जाने के निर्देश हैं। इसके लिए पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से जरूरी जानकारी और फोटो मुहैया कराई जाती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को YouTube पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।